भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि दूसरे देशों से उधार मांगने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। हाल ही में शहबाज शरीफ कर्ज मांगने के लिए कई देशों का दौरा कर चुके हैं ताकि कर्ज के पैसों से पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाया हो, बल्कि ये सब उसकी आदत बन चुकी है। जब भी हिंदुस्तान का पड़ोसी मुसीबत में होता है तो हाथ में कटोरा लेकर वो चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के दरवाजे पर जा पहुंचता है और उसकी हालत पर तरस खाकर ये देश उसकी मदद भी कर देते हैं। लेकिन इन सब वजहों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी भी होती है, जिसे वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुलकर माना। उन्होंने कहा कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि लगातार कर्ज लेना इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि भारी भरकम कर्ज को बाद में लौटाना भी पड़ता है। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो कर्ज लौटाने तो दूर, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में मारपीट तक हो रही है। आटा, दाल, तेल, बिजली समेत कई चीजों की वहाँ भारी किल्लत है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार घटने से पाकिस्तान विदेशों के सामान इम्पोर्ट भी नहीं करा पा रहा है। इन सब के लिए भी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि पिछले 75 साल से किसी भी राजनीतिक दल या सैन्य शासन ने पाकिस्तान के आर्थिक मुद्दों का समाधान नहीं किया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को भी आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने शासन में पाकिस्तान का वक्त बर्बाद किया। और इस बीच तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था की पाकिस्तान में तारीफ होने लगी, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुलेआम अपनी कंगाली का रोना रो रहे हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर है और 2037 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। और पाकिस्तान की मीडिया ने इसी बात की मिसाल दी और वहाँ की नीतियों को पानी पी पी कर कोसा। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने आर्टिकल में लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका और रूस दोनों खड़े हैं, जबकि ये दोनों देश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और पाकिस्तान को भी भारत से सीखकर अपनी नीतियां बदलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसका कुछ भला हो सकता है, वरना पाकिस्तान यूं ही भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों से भीख मांगता रहेगा और कभी भी कंगाली की कालिख नहीं मिटा पाएगा। पाकिस्तान की मीडिया में ये बातें ऐसे समय पर हुई जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने खुलकर माना कि उन्हें दूसरे देशों से पैसे मांगने पर शर्म आने लगी है। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। यानी शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भीख मांगना ही आखिरी रास्ता बचा है, जिसकी वजह वहाँ के मीडिया ने गिनवाई। और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक नीतियों की कमी, संसाधनों की कमी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को इसकी वजह बताया, जबकि भारत ने यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी आर्थिक नीति बनाई कि रूस से तेल भी मिला और अमेरिका भी साथ खड़ा रहा।